नमस्कार दोस्तों, AFT क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत हम हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों को देखेंगे, इनकी बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के हैं, उसके बाद इनमें स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन में वर्ग क्या होता है, विशेष व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियाँ, नुक्ता वर्ण, अयोगवा, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग क्या होते हैं। इन पर वैसे मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ और इनके 50-50 एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे चुका हूँ, इन सभी को अलग अलग। बट वर्ण विचार में क्या होते हैं ये, इनके कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो इन सभी समूहों में आते हैं, और वर्ण और वर्णमाला क्या है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आपको ये सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें सीखने की ज़रूरत होती है हिंदी वर्णमाला। जो हमारी हिंदी वर्णमाला ये है, ये अभी मैंने आपको पढ़ना और लिखना दोनों बताया है। जिस वीडियो में मैंने ये पढ़ना लिखना बताया वो हमारी वीडियो नंबर 1 है, उसको 8.5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इन सब चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, फिर हिंदी व्याकरण के हिसाब से इन सभी चीज़ों को समझाऊंगा। अब ये हमारा वर्ण है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। अब स्वर के प्रकार के बाद में भी हम पढ़ेंगे अगले अपलोड में, क, ख, ग, घ, व, इसको कुछ अंग भी बोलते हैं और व भी बोलते हैं, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, ह, अक्षत्र, ज्ञ, श्र, ड, ढ, ज, फ, क, आ। ठीक है, इसमें श, श और स की सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अक्षत्र, ज्ञा, श्र इनकी भी अलग से वीडियो बनाई हुई है, इन दोनों की भी अलग वीडियो बनाई हुई है और इनकी भी अलग वीडियो बनाई हुई है। तो आप अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको सब कुछ पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो आप जाके शुरू से वीडियोज़ देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। अभी अ है तो अ को और तोड़ा नहीं जा सकता, अ एक पूरा का पूरा साउंड है। तो ये हमारा क्या है, एक वर्ण है। यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे हैं ये हमारे वर्ण हैं। यहाँ तक हमारे 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। ठीक है, ये हमारे अतिरिक्त वर्ण हैं। ठीक, तो वर्ण समझ में आ गया। अब जैसे ये क है तो क क्या है, एक व्यंजन है जो कि अ और स्वर के साथ मिलकर पूरा क बनता है, तो ये भी एक वर्ण है, बट ये वर्ण व्यंजन कहलाता है। जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। जितने भी ये व्यंजन होते हैं इसमें अ का साउंड साथ में होता ही होता है, ये भी मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, अब वर्णमाला क्या होती है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये जो पूरा समूह लिखा हुआ है, ये जो एक साथ लाइन वाइज लिखा हुआ है, ये हमारी वर्णमाला है। अगर इसको आप लिख देंगे अ ई ई आ तो ये वर्णमाला गलत हो जाएगी, अगर आप इसी तरह से इन सभी चीज़ों को लिखा जाता है। तो ये जो व्यवस्थित रूप होता है वर्णमाला का, उसे वर्णों का, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, दोनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। वर्ण होते हैं ये सभी एक एक वर्ण है, और 52 वर्ण मिलकर हमारी हिंदी वर्णमाला बनाते हैं, और अलग स्वर जो बाहरी स्वर है उनके द्वारा ये आगत शब्द, आगत वर्ण भी हमारी हिंदी में आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला भी क्लियर हो गया, वर्ण और वर्णमाला दोनों क्लियर हो गया। अब देखते हैं स्वर, तो स्वर कौन से होते हैं, तो हमारे जो है ये अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे हमारे 11 स्वर होते हैं। क्या होते हैं, 11 हमारे स्वर होते हैं। ये स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में रुकावट नहीं आती, एकदम से आ जाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की ज़रूरत नहीं है, किसी और स्वर की ज़रूरत नहीं है, ये स्वतंत्र स्वर है। अ, आ, इ, ई, कोई रुकावट नहीं होती इन शब्दों को पढ़ने में। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं। अब इसके बाद व्यंजन, तो व्यंजन हमारे कौन से हैं,
ये क से लेकर जितने लास्ट तक हैं ये सभी व्यंजन हैं, बट व्यंजनों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, क्या प्रकार होते हैं वो हम देख लेते हैं। अब इसको क्या कहा जाता है, कवर्ग कहा जाता है। क से शुरू होता है तो ये पूरा क ख ग घ ह क्या हमारा कवर्ग है। इसको चवर्ग कहा जाता है, इसको टवर्ग कहा जाता है और इसको तवर्ग कहा जाता है, इसे पवर्ग कहा जाता है। पवर्ग मतलब प से शुरू होने वाला, तवर्ग का मतलब त से शुरू होने वाला, टवर्ग का मतलब ट से शुरू होने वाला, चवर्ग का मतलब च से शुरू होने वाला, च की पूरी लाइन, ट की पूरी लाइन, त की पूरी लाइन, ये एक ही लाइन में लिखे जाते हैं। शुरुआत में मैंने कुछ लोगों ने मुझे फोटो भेजा था तो मैंने उन्हें कहा था कि आपको अच्छे से वर्णमाला लिखनी नहीं आती, लाइन वाइज लिखी है। तो ये लाइन वाइज होती है, क वाली लाइन क से शुरू करनी है, यहाँ खत्म करनी है, च वाली लाइन यहाँ से शुरू करनी है, यहाँ से। तो ये हमारे सारे पवर्ग होते हैं, यही सारे हमारे व्यंजन होते हैं। व्यंजन तो सारे ही होते हैं बट व्यंजन यहाँ तक हैं, बाकी इनके अलग अलग विभाग में बांटा गया है, अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। तो वो वर्ग हम देख लेते हैं क्या है। अब ये स्वर आपको पता चल गए, व्यंजन पता चल गए, वर्ग पता चल गए, ठीक है, ये पवर्ग तक होता है। इसके बाद हम देखते हैं विशेष व्यंजन कौन से होते हैं। जो हमारे विशेष व्यंजन है वो हमारे ये ड और ढ होता है। इसी के साथ ड के नीचे ढ की आवाज आती है और ढ के नीचे भी ढ की आवाज आती है, बट इनमें अंतर है। अब इसका क्या अंतर है, इस पर सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो जाके देखें, ठीक है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, विशेष व्यंजन कहते हैं। ये हमारे विशेष व्यंजन है, ठीक है, जिनका स्वर जो आवाज निकलती है उसके हिसाब से इनको ढूंढा गया, ठीक है। क्योंकि सारे शब्दों में अगर इन शब्दों को लिखा जाता है, जैसे इसे पढ़ता हूँ मैं, ये बना गढ़ 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 और ये बना गढ़, ठीक है, तो ऐसे ही उच्चारण के साथ साथ इनको यूज़ में लाया गया। जब इसका पूरा शब्द नहीं बनना था तो इन विशेष व्यंजनों का निर्माण किया गया। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो कई सारे शब्दों से मिलकर बनी होती है। इतना तो हम सीख गए, इसको मिटा देते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से हैं, अक्ष त्र ज्ञा अश्र। अक्ष त्र ज्ञा अश्र ये संयुक्त होते हैं। अब अक्ष जैसे क्या होता है, तो देखिए अक्ष बोल के देखिए तो अ क और छ की आवाज एक साथ आ रही है, अक्ष अक्ष। इसी तरह त्र बोलते हैं तो त्र में त और र प्लस अ की आवाज आ रही है, त्र। तो इसीलिए इसको संयुक्त बोला जाता है। संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए, मिले हुए। तो अक्ष त्र ज्ञा अश्र हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया, स्वर समझ में आ गया, व्यंजन समझ में आ गया, विशेष व्यंजन समझ में आ गया, संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ क्या है, जो बाहर से आई हुई है। बाहर से कौन कौन सी आगत ध्वनियाँ आई हुई है हमारी, ये ज हो गया, फ हो गया, क हो गया और आ, आगत शब्द होता है। जैसे कॉलेज बोलते हैं तो कॉलेज में कैसे आता है, ऊपर करके ऐसे। ये हमारी क्या है, आगत ध्वनियाँ है, जो बाहर से ध्वनियों में आई हुई है। और ये ज़्यादातर अंग्रेजी शब्दों पे आते हैं और ये उर्दू फारसी के शब्दों पे ज़्यादा आते हैं, ये मैं अपनी वीडियोज़ में क्लियर कर चुका हूँ पहले भी। तो इन्हें ही आगत ध्वनियाँ कहते हैं। इसके बाद हमारे नुक्ता वर्ण। अब नुक्ता वर्ण क्या होते हैं, इन्हीं को नुक्ता वर्ण कहा जाता है, जो ये नीचे बिंदी लगी होती है इन्हें ही हम नुक्ता वर्ण कहते हैं। उसके बाद हमारे अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं, ये जो अंग और अह है इनको अयोगवा कहते हैं। अंग का मतलब ऊपर बिंदी, अह का मतलब आगे दो बिंदी। इस अगर नीचे कोई शब्द नहीं है, अगर इसके पीछे कोई शब्द नहीं है तो इनका कोई भी मतलब नहीं होता। जैसे ये मैं बिंदी लगा दूँ तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, जब तक इसके नीचे कोई शब्द ना लिखा जाए। तो इसीलिए ये स्वर नहीं होते हैं, ये अकेले इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये किसी स्वर या व्यंजन के साथ लगकर ही आते हैं, इसीलिए ये पूर्णतः स्वर नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अयोगवा कहा गया है। तो ये अंग और अह जो होते हैं ये हमारे अयोगवा होते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होते हैं, अनुस्वार जैसे शब्दों के ऊपर आपने देखा होगा ये बिंदी लगी होती है, जिसको हम अंग भी कहते हैं। ये अनुस्वार क्या होते हैं, ये सिर्फ नाक से बोली जाती है। जैसे हमने बोला हंस, तो हंस क्या है, न से, न पे आवाज़ आ रही है, मतलब नाक से हमारी आवाज़ आ रही है बस। जैसे आप बोलिए कंठ, तो कंठ में क्या होता है, न, हमारी नाक से आवाज़ आ रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। अनुनासिक में क्या होता है, अनुनासिक शब्द ऐसे होते हैं जो ऊपर ऐसे करके बिंदी आती है, जैसे यहाँ
इसमें क्या होता है, नाक से तो आवाज आती आती है, मुंह से भी आवाज आती है, इसीलिए इसको अनुनासिक कहा जाता है। ये हमारे अनुस्वार होते हैं और ये हमारे अनुनासिक शब्द होते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक वीडियो नंबर 44 से मैंने आपको करा रखे हैं, 44 से लेकर वीडियो नंबर 47 तक इन्हीं सारे शब्दों को मैंने करा रखा है, ठीक है। अनुनासिक तक हो गया, उसके बाद हम देखते हैं विसर्ग क्या होते हैं। अब विसर्ग जो है हमारे वो क्या होते हैं, विसर्ग होते हैं जो दो बिंदी लगाई जाती है, ये जो आगे दो बिंदी लगाई जाती है इसको विसर्ग कहते हैं। और ये विसर्ग किसकी आवाज निकालता है, ह की, जैसे हम पढ़ते हैं अतः है, ठीक है, प्रातः है, तो ये जहाँ पे लगते हैं वो इस वाले शब्द के साथ ह की आवाज आती है ना, प्रातः है, बट ये ह नहीं होता, ये दो बिंदी होती है, इसे ही हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और मिस हो गई, क्या चीज मिस हो गई, अंतःस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं य, र, ल, व, ये सारे क्या हैं, य, र, ल, व, देखिए सारे साउंड अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो जो अंदर की तरफ साउंड जाते हैं उनको अंतस्थ बोलते हैं, मतलब अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, य, र, ल और व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक। उसके बाद होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें ऊष्मा आती है बाहर, मतलब हवा आती है बाहर, जैसे कि श, 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 ह, इसमें क्या हो रहा है, हवा बाहर की तरफ आ रही है, तो इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। इसमें हवा बाहर की तरफ आती है तो इसको ऊष्मीय व्यंजन बोला जाता है, ऊष्मा, गर्म हवा बाहर की तरफ आती है, ये हमारे ऊष्मीय व्यंजन है। और ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ये अंदर हवा अंदर की तरफ जाती है, य, र, ल, व, श, श, स, ह, देखिए बाहर की तरफ आ रही है, तो ये अंतस्थ व्यंजन होता है, ये ऊष्मीय व्यंजन होता है। तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हमने वर्णमाला सीखी क्या होती है, वर्ण सीखा, ठीक है, पहले वर्ण सीखा, फिर वर्णमाला सीखा, फिर स्वर, व्यंजन, विशेष व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियाँ, नुक्ता वर्ण, अयोगवा, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को करा दी अब इस चैनल पर। तो मुझे आशा है अच्छे से आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी और काफ़ी पढ़ना लिखना आप लोग सीख गए होंगे, अगर आप शुरू से वीडियोज़ को देखते हुए आ रहे हैं तो। अब ये सभी चीज़ों पर अलग अलग मेरी वीडियोज़ बनी हुई है, ठीक है, स्वर व्यंजन तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, विशेष व्यंजन पर, संयुक्त व्यंजन पर, आगत ध्वनिया पर, नुक्ता वर्ण पर, अयोगवा पर, अनुस्वार पर, अनुनासिक पर, विसर्ग पर, अलग सारी वीडियोज़ बनी हुई है मेरे चैनल पर। तो यदि आपको इनके बारे में और डीप से जानना है, 50-50 वर्ड के एग्जाम्पल लिखने हैं और साथ के साथ कहानियाँ लिखनी है इनकी, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और हिंदी की मात्राओं के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो यदि आपको हिंदी पढ़ना लिखना सीखना है अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर आइए और शुरू से प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को लाइन वाइज देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के लिंक दिए होते हैं, जो वीडियो होती है उससे रिलेटेड वीडियोस के। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।